उपक्षीय बहुमुखी बैठक हुआ, मतलब सभी लोग थे, विश्व हिंदू परिषद, हाँ, भारतीय जनता पार्टी थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, सभी लोग ये निर्णय लिया कि हिंदू का धर्म का बहुत बड़ा पर्व है, भगवान श्री राम जी का जयंती अवसर पर सब निकाला जाता है। तो वार्तालाप से पता चला कि कहीं ना कहीं जो छोटे टाइप का अवसर होता है उसका कन्फ्यूजन का चलते इतना बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हुआ। तो बात में दोनों पक्ष स्वीकार किया फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो, जैसे डीजी हो, टेराक हो, इसमें कहीं पाबंदी नहीं है, जो जैसा हिसाब से निकाले जाए। और बहुत लोग इंतजार में है कि इसको इसमें अगर हो जाए डिसीजन तो हम लोग तुरंत निकालेंगे। तो कदमा से हमारे सारे भाई लोग आया, सभी लोगों से बैठने के बाद स्वादपूर्ण वातावरण में कि जिस इशू के लिए कल बंदी कॉल गया था वो सारा चीज़ जब वार्तालाप में समाप्त हो गया तो कल बंदी का भी कोई औचित्य नहीं है। और लगभग एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा जिला एडमिनिस्ट्रेशन आके सारे लोगों से बात करके ये तय हुआ कि आज ही निकल दे या कल निकलना भी मुश्किल, कल बंदी भी करना उचित नहीं जब अगर डिमांड पूरा हो गया तो नहीं हुआ। इसलिए इसमें सारे जो विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय संघ सभा के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी और भी जितने भी सामाजिक संस्था था सभी ने इसमें सहयोग किया। बहुत अच्छा वातावरण में ये तय हुआ कि अभी मैक्सिमम रात भर तक चलता है जुलूस, और हम लोग इस महापर्व को जो है जिस तरह हम लोग मनाते आ रहे, थोड़ा सा देर जरूर हुआ क्योंकि बहुत लोग डीजी बुक किया बाहर से, बहुत लोग झांकी, अब राजस्थान से आया, इतना दूर से आया, और इधर से विभिन्न टाइप का बजा बजना विभिन्न तरफ से आया हुआ है, तो वो चीज़ बेकार ना हो जाए। जहाँ पर प्रसादी भगवान का सब जानता है, चना गुड़ से लेकर से वो सब ये होकर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग जितना जल्दी हो सके इसको हम लोग शुरू कर दें। इसीलिए सबका राय लेके ही हमने सार्वजनिक रूप से घोषणा की जुलूस को, लगभग सभी में टेलर किसी भी व्यक्ति पर कोई केस नहीं होगा, टेलर रूलर छूट जाएगा, टेलर रूलर से कोई संबंध नहीं, एक भी व्यक्ति पर किसी तरह का कोई केस नहीं होगा। और